in this video i will explain how to run structural model in smart pls 4 let's create a new project that is called structural model now i will import data file i click on import button to load the data after loading data i will create model जब आप इस स्टेप पे आएंगे तो यहां पे आपको देखना ये है कि इफ यू आर गोइंग टू टेस्ट द थ्योरी यू विल चूज सी बी सैम सी बी सैम मीनिंग को वेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग एंड इफ यू आर गोइंग टू डिवेल्प द थ्योरी और जनरेट द थ्योरी और यू आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एक्सप्लेन वेरियंस इन देन यू विल चूज

सी एस आर वन सी एस आर टू सी एस आर थ्री सी एस आर फोर इनको सिलेक्ट करूंगा ड्रैग, एंटर फिर मैं एम्प्लायल बींग वन टू थ्री फोर ड्रैग, एंटर और परफॉर्मेंस वन टू थ्री फोर ड्रैग, एंटर तो अब यहाँ पे मेरे पास सी एस आर और एम्प्लायेल बींग ये एक्सोरजिनस वेरिएबल है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और परफॉर्मेंस जो है वो इंडोजिनस वेरिएबल है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ जो के सी एस आर और एम्प्लॉय वेलबींग यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंडिकेटर्स को जो है अलाइन इंडिकेटर्स टू द लेफ्ट फिर यहाँ पे अलाइन इंडिकेटर्स टू द लेफ्ट तो ये मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे क्लिक करूँगा कनेक्ट पे और उसके बाद सी एस आर को परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट कर दिया

तो उसके लिए मैं जो है वो कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पी एल एस सेम एलग्रेदम और एक यहाँ पे नीचे है कंसिस्टेंट पी एल एस सैम एलगोधम अगर आपके मॉडल में जो है फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट होंगे तो फिर आप यूज़ करेंगे पी एल एस सैम एलग्रिदम और अगर आपके मॉडल में जो है वो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट होंगे तो फिर आप यूज़ करेंगे कंसिस्टेंट पी एल एस सैम एलग्रेदम अच्छा इसका डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट जो है और फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट जो है अगर जो है एरोज जो है एरो जो है ये लेटन वेरिएबल से इनकी डायरेक्शन इंडिकेटर्स की तरफ हो यानी इसका मतलब ये है कि एरोज पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम द लेटन वेरिएबल टू इट्स ऑब्जर्व वेरिएबल यानी यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कि इंडिकेटर्स और कॉज्ड बाई लेटर वेरिएबल तो ये रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट uh, होगा और फॉर्मेटिव uh, के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है तो फॉर्मेटिव में देखें कि इंडिकेटर्स से जो है एरोस की डायरेक्शन जो है वो डनटन वेरिएबल्स की तरफ है यानी इसका मतलब है कि इंडिकेटर्स का इम्पैक्ट जो है वो लेटन वेरिएबल पे आ रहा है और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे है तो ये आपके पास जो है वो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की एग्जाम्पल है तो अब जैसे मैंने कहा था कि जब आपके पास जो है वो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट होंगे तो आप पी एल एस सैम एलग्रेदम यूज़ करेंगे और जब आपके पास जो है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट होंगे तो आप कंसिस्टेंट पी एल एस सैम एलग्रेदम यूज़ करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि हमारे मॉडल में जो है वो रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट हैं मैं यहाँ पर क्लिक किया और ये मैंने डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही मैंने रहने दी है इसको मैंने चेंज नहीं किया स्टार्ट कैलकुलेशन पर क्लिक किया तो अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो रिलायबिलिटी वैलिडिटी का जो है वो डेटा शो हो जाएगा तो इसके लिए मैं जो है आ, क्लिक करूंगा कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे और आप यहाँ पे देखें कि क्रोन बा जो कि कंसिस्टेंसी को शो करता है रिलायबिलिटी को शो करता है और ये ग्रीन है यानी इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट सेवन से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे ये आइडिया हो रहा है कि इसकी जो है वो मेजरमेंट मॉडल की जो है वो रिलायबल है उसकी रिलायबिलिटी मेक श्योर हो रही है और कंपोजिट लेबलिटी भी अगर आप चेक करें तो वो भी ग्रीन है यानी इसका मतलब है भी ये भी पॉइंट सेवन का क्राइटेरिया मीट कर रही है पॉइंट सेवन से ज़्यादा है तो ये भी आपके पास ग्रीन है तो इससे इस ये चीज़ पता चलती है कि आपका मेजरमेंट मॉडल जो है वो रिलायबल है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है अब जो एवरेज वेरियंस एक्सट्रेक्टेड है इसका क्राइटेरिया जो है वो पॉइंट फाइव होता है अगर पॉइंट फाइव या इससे ज़्यादा हो तो ये आपके पास यहाँ पे ग्रीन शो हो रहे थे ए वी ई की वैल्यू पॉइंट फाइव से ज़्यादा है जो इस बात को भी शो कर रही है कि इस मेजरमेंट मॉडल की कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी इस्टेब्लिश हो रही है और हम ए वी ई की वैल्यू को डिसक्रिमिनेट वैलिडिटी को इस्टबलिश करने के लिए भी यूज़ करते हैं तो डिसक्रिमिनेट वैलिडिटी के लिए पॉपुलर जो क्राइटेरिया है वो फोनल का है मैंने इस पर क्लिक किया है और यहाँ पे जो डायगनल वैल्यूज़ जो हैं ये ए वी का स्क्वायर रूट है और जो ऑफ डाइगनल वैल्यूज हैं लेटन वेरिएबल की कोरिलेशन है तो अगर जो है डायग्नल वैल्यूज जो हैं वो ऑफ डाइगनल वैल्यू से ज़्यादा हों तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट मॉडल की जो है वो डिस्क्रमिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है तो इस सारी में अगर आप देख सकते हैं कि एवरेज वेरियंस का स्क्वेयर रूट जो है वो लेटन वेरिएबल की कोरिलेशन से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे मॉडल में जो है वो डिस्क्रमलिटी और जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी दोनों ही इस्टेबलिश हो रही हैं अब जो है नेक्स्ट uh, पॉइंट जो है वो यहाँ पे है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है आ, वो किस तरह से करें यानी सी एस आर का रिलेशनशिप जो है वो परफॉर्मेंस के साथ जो है और एम्प्लॉय वेलबींग well का रिलेशनशिप परफॉर्मेंस के साथ है क्या ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है इसको अभी हम चेक करते हैं तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा कैलकुलेट पे और यहाँ पे कंसिस्टेंट पी एल एस बूट जो है क्योंकि जब बूट स्टेपिंग का प्रोसीजर में अप्लाई करूंगा तो तब मेरे पास पी वैल्यू जो है वो आएंगी और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कैलकुलेशन पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे अभी रिजल्ट शो हो जाएंगे और यहाँ पे ऑटर मॉडल जो है इसमें वैल्यूज मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसी तरह से इन में जो है पाथ कॉफिशन एंड पी वैल्यूज़ जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आर स्क्र जो है ये थर्टी वन पॉइंट टू जो है थर्टी वन पॉइंट टू परसेंट जो है वो आर स्क्र है अगर आप यहाँ पे कसर भी लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखें आर स्क्र एडजस्टेड आर स्कर क्रोनबा कल्फा कंपोजिट लाइब्रेटी एवरेज वेरियंस एक्सप्रेक्टिव जो है, है ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं तो अगर आप कर्सर भी किसी भी वेरिएबल पे लेके जाते हैं तब भी आपको वैल्यू शो हो रही है अब यहाँ पे इसको देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप uh, जो है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है तो देखिए यहाँ पे कॉफिशंट जो है ये पॉइंट यानी अगर मैं इसका चेक करूँ कि सी एस आर और परफॉर्मेंस uh, का रिलेशनशिप देखूँ तो इसमें कॉफिशियंट जो है वो पॉइंट फोर फोर सिक्स है यानी इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है सी एस आर और फॉर्म uh, परफॉर्मेंस का जो है और अगर मैं चेक करूं कि क्या ये सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पे सिग वैल्यू या पी वैल्यू जो है विच इज़ लेस देन जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है सी एस आर और ऑर्गेनाइजेशन uh, परफॉर्मेंस का जो है इसी तरह से एम्प्लॉय वेलबींग well का मैं अगर परफॉर्मेंस uh, के साथ लिंक चेक करूँ तो वो भी बीटा जो है वो पॉजिटिव है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट टू सेवन टू जो है और सिग वैल्यू जो है विच इज़ लेस देन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो ये भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप शो हो रहा है यानी पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है और यही चीज़ यहाँ पे आप पाथ कॉफी पे भी क्लिक करके यहाँ से शो हो जाती है तो ये देखिए वही आपके पास बीटा की वैल्यू है कॉफिशंट की वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास पी वैल्यू है जिससे पता चलता है कि आपके हाई जो है वो प्रूफ हो रहे हैं इसके अलावा जो है और इम्पोर्टेंट वैल्यूज जो हैं जो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए वो आर स्क्वायर है अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये थर्टी वन पॉइंट टू परसेंट है यानी इसका क्या मतलब है इसके मीनिंग यहाँ पे ये यह हैं कि जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएंस एक्सप्लेन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो बेसिकली आर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम जो है स्ट्रक्चर मॉडल में हम जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड नहीं बोल रहे होते हैं हम कह रहे होते हैं कि इंडोजिनस वेरिएबल में जितना वेरियंस एक्सप्लेन हो रहा है ड्यू टू एक्सॉजनस वेरिएबल तो वो बेसिकली जो है वो थर्टी वन पॉइंट टू परसेंट है और रिमेनिंग जो है वो अदर फैक्टर से है और अगर हम इसका क्राइटेरिया देखें तो ये हमारे पास जो है जो कोहन ने दिया है कि अगर टू परसेंट है तो वीक है थर्टीन परसेंट है तो मॉडरेट है और अगर ट्वेंटी सिक्स परसेंट है तो सब्सटेंशल है तो हम कह सकते हैं कि हमारे केस में जो है यहाँ पर जो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ रही है Uh, वो थर्टी वन पॉइंट टू परसेंट है जो कि सब्सटेंशल है अच्छा इसके अलावा जो और वैल्यूज को इंटरप्रेट करना चाहिए वो एफ स्क्वायर है तो एफ स्क्वायर की जहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो सी एस आर की जो है वो ट्वेंटी एट परसेंट है और एम्प्लाई वेल बींग की जो है वो टेन परसेंट है तो बेसिकली एफ स्क्वायर है क्या है इसकी मीनिंग क्या है एफ स्क्वायर इज द चेंज इन आर स्क्वायर व्हेन वी रिमूव एन एक्सॉजिनस वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सी एस आर को हमारे मॉडल से रिमूव करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट साइज़ साइजेंटी एट परसेंट होगा और अगर जो है इम्प्लाई वेल well को रिमूव करेंगे तो उसका इफेक्ट साइज वो परसेंट होगा क्या ये इफेक्ट साइज जो है वो स्मॉल है लार्ज है मीडियम है तो उसके लिए हम जो है वो आ, कोहन का क्राइटेरिया जो है उसको देखेंगे तो कोहन कहता है कि अगर टू परसेंट जो है आ, या उससे ज़्यादा है तो स्मॉल है अगर फिफ्टीन परसेंट या उससे ज़्यादा है तो मीडियम है और अगर थर्टी फाइव परसेंट है या उससे ज़्यादा है तो लार्ज है तो अगर हम हमारे केस में देखें तो यहाँ पे सी एस आर का जो है वो मीडियम इफ़ेक्ट साइज़ है और इम्प्लाई वेल का जो है वो स्मॉल इफेक्ट साइज है थैंक यू फॉर वॉचिंग